Good morning to all of you and welcome to the parts of business history. The last class में हम लोगों ने concept चल रहा था cost front. Actually video में थोड़ा सा issues हो गया था और उसकी last line complete नहीं हो पाई थी. मैं एक बार उसको repeat करना चाहूँगा. तो last class में हमने पढ़ा था cost front. इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ये concept कह रहा है कि अगर आपने कोई asset है तो जब आप उसको बुक्स में दिखाएंगे बैलेंस शीट में दिखाएंगे ऐसा हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसको जब रिपोर्ट करेंगे आप तो उसे आपको हमेशा कॉस्ट वाइज देखना है हमेशा कॉस्ट पे देखना है. अब यह एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है जितने में आपने उस एसेट को खरीदा था परचेज प्राइस. जितने में खरीदा मान लीजिए एक एसेट खरीदी मैंने 1 लाख रुपया इसे बोलते हैं परचेज प्राइस. फिर उस एसेट को लाने का भाड़ा उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज. मान लीजिए 10,000 रुपए लाने का भाड़ा लग गया तो वो मैसेज होगी मेरे लिए 1,10,000 के. और फिर मैं उसको दुकान में लाकर उसको इंस्टॉल कराने का मान लीजिए उसको 2,000 रुपए और हो गए तो इसका मतलब टोटल एसेट होगी 1,12,000. तो इस मशीन की कॉस्ट 1,12,000. तो कॉस्ट में क्या आता है परचेज प्राइस फिर उसको लाने का भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और फिर उसको इंस्टॉल कराने की कॉस्ट इंस्टॉलेशन चार्जेस इन सब को कॉस्ट. तो वो एसेट को आप 1,12,000 रुपए में रिकॉर्ड करेंगे. अब एक चीज और आती है मान लीजिए मैं ऐसे यहां मैंने 1,12,000 रिकॉर्ड कर ली. अब मान लीजिए थोड़े दिनों बाद इसकी मार्केट में वैल्यू चेंज हो गई है मार्केट प्राइस चेंज है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आपको ये ध्यान रखना है हमें हमेशा एसेट को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना. उसका कारण है कॉस्ट के वेरीफाई कर सकते हैं हम उसका प्रमाण दे सकते हैं क्योंकि कॉस्ट नंबर एक अपने खरीदे तो उसका बिल मिला था वाउचर बिल ना तो वो बिल हम उसको वेरीफाई करके दिखा सकते हैं कि ऐसे रहते हैं. और मार्केट वैल्यू जो होगी है उसका अपने पास कोई बिल नहीं होगा इसलिए मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दूसरा कारण क्यों नहीं रिकॉर्ड करना मार्केट वैल्यू डेली चेंज होती रहती है लेकिन कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है. एक बार जितने मामले खरीदे उसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है इसीलिए ये वैल्यू ज्यादा बढ़िया. अब एक और चीज रिकॉर्ड करनी है. अब आपने मान लीजिए इस मशीन को 1,00,000 रुपए में खरीदा था मान लीजिए पूरे साल भर आपने इसको 10,000 रुपए यूज कर लिया इसे बोलता है डेप्रिसिएशन होता है. डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है ना उसे हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं बाकी अपन मान लो बिजनेस करेंगे तो इसको आपने 10,000 रुपए यूज कर लिया. अब बताओ इस साल के अंदर मशीन कितनी की बची 90,000. अब साल के अंदर बैलेंस दिखाएंगे ना 90,000 मतलब एक एसेट को हमेशा रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे और उसमें से अगर आपने उस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया लगाया है तो उसको उसमें से माइनस कर दो तो आपको बैलेंस अपने एसेट को 90,000 पे दिखाएंगे. रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपने 10,000 वैल्यू जो गिरी आपने यूज किया आपको पता है कि एक एसेट को कंसिस्टेंटली यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है. जैसे आप अपना सेलफोन लेके आते हैं उसका 20,000 का लेकिन 6-7 महीने बाद उसकी वैल्यू हो नहीं रहेगी क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गया. आपने उसको यूज किया तो उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई इसे बोलते हैं जो वैल्यू कम होती है ना उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. सो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस बैलेंसिंग एट कॉस्ट प्राइस वेयर द कॉस्ट इंक्लूड्स द परचेज प्राइस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड द इंस्टॉलेशन चार्जेस. देयर आर At the end of the year, if any depreciation is charged on this asset, then that is also to be recorded and that will be less from the value of that asset. उस depreciation को हम उस asset की value में से कम कर देंगे minus कर देंगे. चलिए next concept की बात करूँ मैं तो अगला concept है dual aspect concept. सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इन द सेंस कि पूरी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इसी पे डिपेंड करता है. ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब भी आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं या उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन से दो साइड इफेक्ट होते हैं दो पक्ष अफेक्ट होते हैं दो साइड होते हैं. हर ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ हालांकि अभी चैप्टर 3 आया नहीं
हम जब भी कोई एंट्री करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मशीन खरीदी, तो आप देखो एक तो मशीन आई और पैसा गया, तो मशीन डेबिट होगी, पैसा जो कैश है ना वो क्रेडिट होगा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, पैसा गया। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, बिजनेस के लिए हर ट्रांजेक्शन में दो जीवन में ध्यान रखना, फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन इज डेबिटेड एंड अनदर वन इज क्रेडिटेड। अब ये बात अच्छे से कब समझ आते जब हमने जर्नल एंट्री पढ़ी होती, लेकिन वो भी चैप्टर नंबर थर्ड में आता। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था बैलेंस है जी, आपको ये भी बताया था ये एसेट साइड होगी, ओके लायबिलिटी साइड। एसेट का मतलब फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, पैसा, ये सब बिजनेस की एसेट है जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, पैसा आता है। लाइब्रेरी मतलब आपने किसी से ले रखा है पैसा और जिसको फ्यूचर में देना पड़ेगा, है ना, ये लाइब्रेरी होती है, ऐसा होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले आपको पता है एक बिजनेस में मालिक ने कुछ पैसा लगा, एक बार इसको गौर कर लो, मालिक ने मान लीजिए 10,000। नंबर एक, एक तो फर्म के पास पैसा है, पैसा मालिक ऐसा आप जाना पैसा होगा ये नहीं कैश टेन। दूसरा, ये जो पैसा दिया मालिक ने दिया जैसे आपको बोलते क्या करें, और आपको फ्यूचर में वापस मालिक को चुकाना पड़ेगा, और कैपिटल आपकी इसका मतलब लायबिलिटी क्योंकि मालिक को वापस देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हर लेन देन से दो अकाउंट होते हैं। एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए फॉर्म में बैंक से 10,000 मिल रहे हैं, इससे क्या फर्क, एक तो फॉर्म के पास पैसा, अब फॉर्म के पास पैसा 10-10 हो गए, और दूसरे के जो बैंक से लोन लिया है फॉर्म को कभी ना कभी वापस चुकाना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इससे कोई तो बैंक नहीं। एक लास्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर्म ने 5,000 रुपए की मशीन खरीदी, एक मशीन आई, आपको पता है मशीन हमारी ऐसा है बेच के फ्यूचर में पैसा आएगा, मशीन ऐसा ऐसा कुछ हमारा मशीन फाइनेंस, एक मशीन आपने खरीदी तो आपके फॉर्म से पैसा गया होगा, तो मतलब आप दुकान का पैसा 20 की बजाय कितना हो गया 15। तो आपने एक चीज नोट करी, जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ लेन देन, एक ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट अफेक्ट, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, और यही कारण है कि आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल, बोले तो एसेट साइड की टोटल और लायबिलिटी साइड की टोटल हमेशा बराबर है। सो अगर कोई पूछे बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल बराबर क्यों होती है, क्योंकि एक लेन देन से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न डुअल एस्पेक्ट, और आपकी बैलेंस शीट हमेशा देखो 20,000 इक्वेशन। तो मैं यूं लिख सकता हूँ कि टोटल ऑफ एसेट साइड, ये जो एसेट साइड की टोटल है, टोटल ऑफ एसेट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, है ना, एसेट साइड की टोटल हमेशा लायबिलिटी साइड की टोटल के बराबर रहेगी, टोटल ऑफ एसेट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा कि टोटल एसेट जो होती है, एसेट साइड भी जो टोटल ऑफ एसेट साइड ऑलवेज टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, ये साइड में यूं भी बोल सकता हूं टोटल एसेट को मैं क्या नंबर से ए बोल सकता हूं, ए इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी तो वो होगा एक वो पैसा जो दुकान में मालिक को देना उसे बोलते कैपिटल, और एक वो पैसा जो दुकान को बाहर वालों को देना उसे बोलते लायबिलिटी। तो जब मैं यूं लिखूं टोटल ऑफ लायबिलिटी मतलब सी प्लस है, सी का मतलब जो मालिक को देना और एल मतलब जो बाहर वालों को देना, एल मतलब लायबिलिटी, सी मतलब कैपिटल। तो मैं एक इक्वेशन ड्रॉ कर सकता हूं कि ए मतलब एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ए फॉर एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब एसेट की टोटल ये जो होती है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी की टोटल के बराबर होती है। आर यू गेटिंग इट? सो ये कांसेप्ट है। चलिए, तो इस कांसेप्ट का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, वन इज एसेट एंड अनदर वन इज क्रेडिट, एंड दैट इज व्हाई द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल्स, which can also be expressed as A equals to C plus F, where A stands for assets, C for capital, and the L for outsider liability, which I can say liability. Are you getting my point? Okay. So, आज आपको ये जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको रीड करेंगे प्रॉपरली, आपके पास बुक्स
मेथड है, आप उसको ओपन करें, बुक्स में जैसा लिखना आप उसको एक बार देख करिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, अगला से